क्षेत्राधिकारी जालौन उमेश पांडे के निर्देशन में बनी टीमों को आज अलग अलग स्थानों से अहम सफलताएं हासिल हुई। पहली सफलता जालौन कोतवाली पुलिस को मिली जब उन्होंने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों ने जालौन जिले में रेंडर थाना क्षेत्र से ट्रक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर हरी मटर गुड़गांव के लिए ला दी थी, लेकिन इन्होंने उस मटर को आगरा में बेच दिया और रुपए हजम कर गायब हो गए थे। दूसरी सफलता सिरसा कलार थाना पुलिस को उस समय मिली जब उन्होंने मुखबिर की सूचना पर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार किए गए बदमाश के खिलाफ पहले से कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। इरफान पठान की रिपोर्ट। घर में दिनांक 10/1/23 को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था कि वहां से हरी मटर लाद कर ले गए थे। नंबर ट्रक पर जो पड़ा था वो फर्जी नंबर था। मटर को ले जाना था गुड़गांव के लिए, बुक किया था पर वह गुड़गांव नहीं ले गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जालौन कर रहे थे। तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं। एक अभियुक्त जालौन से ही पकड़ा गया और दो आगरा से पकड़े गए हैं। इन लोगों ने मटर लाद कर ले गए, ये आगरा में जाकर इन्होंने 2,16,000 में मटर बेच दिया था और 1,80,000 रुपये बरामद हो गए और रुपये इन्होंने खर्च कर दिया। कहाँ से पकड़ा गया इनको? एक व्यक्ति को जालौन से पकड़ा गया और दो एतमाद दौला आगरा से पकड़ा। इनका कोई आपराधिक इतिहास? अभी जांच कराई जा रही है, अभी तत्काल नहीं मिल पाया। कुल बरामदगी कितनी है सर? 1,80,000 रुपये है।